रश्मि ने बना दी है ना, मटर गोभी सब डालकर। तो रश्मि, रश्मि तुम कहाँ बैठोगी? हम कहीं भी। सारे लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए। लेके आया मेरे लिए गाजर। और इतना आलसी गाजर लेके आया, फोन करके बुला रहा गाजर खा लो। ये राधा दीदी का घर वो है, वहाँ तक नहीं आया, यहाँ गाड़ी खड़े खड़े। ऐसा राधा दीदी घर पे है नहीं। जाके देखो कौन लाल टीकू लगाए दो है, कितना अच्छो लग रहा हो बेचारो। तीन तीन है देखो, दो भी घूम रहे है, एक कालो सफेद है और एक जुआ है। गुरिया बहुत गोरो है। तो हमने अंडा गाँव वालों में अंदर दिए गाजर। तो हेलो गाइस, देखो मैं आज फिर आ चुकी हूँ राधा दीदी के घर। तो देखो राधा दीदी के घर आई हूँ, तो पता चल रहा है राधा दीदी तो यहाँ है नहीं, और रश्मि लगी हुई है खाना बनाने में। तो मैं आपको किसी से मिलाना चाहती हूँ तब तक। तो ये है डियर एकता, एकता की दुनिया। हाँ, हमारी चैनल का नाम है एकता की दुनिया। इनके चैनल का नाम है एकता की दुनिया और इनका नाम है एकता। लेकिन और ये वाकई में बहुत खूबसूरत है, एकता की तरह। थैंक यू। तो आप लोग इनके, तो दीदी भी आई हैं और हमसे मुलाकात हो गई, हमें बहुत अच्छा लगा इनसे मिलके। तो राधा चैनल को आप सब लोग सपोर्ट करना। हाँ। राधा दीदी अभी है नहीं, वो कहीं गई हैं, आने वाली हैं, हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। तो हमें इनसे दीदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो जो राधा दीदी है ना, उनके वजह से पता नहीं यहाँ पे कितने लोगों से मुलाकात होती है, नए नए लोग मिल जाते हैं और दोस्त बन जाते हैं। सही बात है। तो और मैं मिलाना चाहती हूँ इनके कैमरामैन से। तो ये है इनकी कैमरामैन, ये है हमारी कैमरामैन, कैमरामैन गर्ल्स। वीडियो वगैरह है सब हमारे, यही शूट करती है सारा कुछ, साथ रहती है, एडिटिंग भी यही करती है। तो क्या नाम है आपका? शबनम नाम है इनका। नाइस नेम। तो इनसे भी मिलकर बहुत अच्छा लगा। और अब मैं और मिलाती हूँ एक और सदस्य से। तो ये है, आपका नाम क्या है? मीनाक्षी है, ब्लॉग है मेरे चैनल का नाम मीनाक्षी। इनका नाम मीनाक्षी है और इनके, नमस्कार, इनके चैनल का नाम है मीनाक्षी एस ब्लॉग। तो ये दिल्ली से आई है, दिल्ली कौन सी जगह? नांगलोई से। तो ये भी राधा दीदी के घर कल आई थी और आज मेरे को मिल गई है, क्योंकि हम लोगों का मिलना लिखा था। तो आप लोग इनके चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करो, इनके चैनल को भी करो। थैंक यू। मम्मी के साथ में खाओ। तो ये देखो टैडी रश्मि ने बना दी है ना, मटर गोभी सब डालकर। तो रश्मि तुम कहाँ बैठोगी? हम कहीं भी। सारे लोग बैठ चुके हैं खाने के लिए, है ना। अन्नु खाना स्टार्ट कर, अन्नु मेरे साथ खा लेगी। हाँ। तू भी रश्मि मेरे ही साथ खा ले, चल आ जा। तो देखो सबने तैड़ी खानी कर दी है स्टार्ट। तो जे देखो महेंद्र भैया अंडा गांव वाला लेके आया मेरे लिए गाजर। और इतना आलसी गाजर लेके आया, फोन करके बुला रहा गाजर खा लो। ये राधा दीदी का घर वो है, वहाँ तक नहीं आया, यहाँ गाड़ी खड़े खड़े। ऐसा राधा दीदी घर पे है नहीं ना, तो इसलिए तो अच्छा, तो वहाँ से यहाँ तक मेरे को बुला के लो गाजर खा लो। है ऐसा ही रास्ता सीधा अंडा खा जाता है, तो तुम गाजर खाओ यहीं से निकल जाए घर पे, क्या जाएंगे वहाँ पे घर पे। और कुछ खाने खिलाने को नहीं मिला, बस गाजर लेके आया। धुली है, तुम्हें दिखनी नहीं कितनी साफ है। कितनी साफ गाजर, फिर भी धुली है, मीठी है, बहुत अच्छी है। तो देखो ये है एक छोटा सा प्यारा प्यारा पप्पी। दिखाओ इधर जाके, देखो कौन लाल टीकू लगाए दो है, कितना अच्छो लग रहा हो बेचारो। तीन तीन है देखो, दो भी घूम रहे हैं, एक कालो सफेद है और एक जुआ है। गुरिया बहुत गोरो है। तो हमने अंडा गांव वालों में अंदर दिए गाजर, हमने खा ली। रश्मि खाने में लगी पड़ी, खून बढ़ाए रही है, खा ले खून बढ़िया जा रहा है। तो जा किसी लेने में रहे है, बहुत प्यारी लगा जाके मरम क्या किसी ले रात। प्यारी राम प्यारी। तो गाइस देखो, हम आप लोगों को कुछ बताओ चाहते, लेकिन जा ब्लॉग में कतई नहीं बताए, अगले वाले ब्लॉग में बताए। तो गाइस देखो, ये भाई आए हुए हैं कन्नौज से, तो इनसे मिलो भाई। तो भाई आप बताइए अपने बारे में कुछ। सो गाइस, मेरा नाम है रोहित और मेरे चैनल का नाम है रोहित करोतिया ब्लॉग्स, जो कि मुझे आई थिंक पूरा 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है यूट्यूब पे मुझे काम करते करते। और ये बहन मुझे यहाँ पर मिली है अरियारी में, जो कि राधा दीदी के घर पे यहाँ पर ये आई हुई थी, साथ में मैं भी यहाँ पे आया हूँ। तो भाई एक साल से आप ब्लॉगिंग कर रहे हो है? यस। बहुत अच्छी बात है भाई की ब्लॉगिंग, तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी भाई की ब्लॉगिंग। तो आप कन्नौज से आए हो? यस, कन्नौज से। मैं ब्लॉग करता हूँ मैं। अच्छा,
मैं भी कन्नौज से और आप भी कन्नौज से, बस मैं गांव में हूँ और आप सिटी से हो, इतना फर्क है। तो भाई आपको कैसा लगा यहाँ राधा दीदी सबके यहाँ पे आके? तो मेरी प्यारी सिस्टर, मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, और हालांकि मैं निरंतर यहाँ पे आता रहता हूँ। अच्छा। जो कि पहला दिन था जिस समय वीडियो वायरल हुआ था, उसके यानी चौथे दिन पांचवें दिन हम यहाँ पर आए हुए थे, उसके बाद से बराबर हम राधा दीदी के कांटेक्ट में हैं, टच में हैं, तो बराबर आ रहे हैं किसी न किसी हेल्प के लिए, या आज भी जैसे आए हैं तो थोड़ी सी एक हेल्प की वजह से मैं और मेरे मित्र अमन जी, जो कि उस साइड बैठे हुए हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, हम दोनों इसलिए आए हुए हैं यहाँ पर। चलो ठीक है, भाई से मिलके मुझे बहुत अच्छा लगा। तो भाई के चैनल को भी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करो, ठीक है? और भाई बहुत अच्छे हैं। तो देखो गाइस, इनने मेरे से पहले बोल दिया आ जाओ और हम घर पे मिलेंगे, और जब हम वहां से निकल दिए तो फोन करके कहते हैं देखो हम जा रहे हैं औरैया। मैं राधा दीदी के साथ गया था किसी काम से, मैं जल्दी आ जाऊंगा एक दो घंटे में। अब ऐसा पता नहीं था मुझे इतना टाइम लग जाएगा, पूरा दिन लगा दिया है, शाम हो गई, इंतजार करते करते मैं थक गई हूँ, बताओ। तो ऐसे दोस्त होने चाहिए, है ना, अच्छे वाले। कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। तो चलो इन्हीं के साथ आज के लिए तो इतना ही, ठीक है? वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर कमेंट करो, और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।